अग्नि की ऐसी प्रचंड ज्वाला तो सब कुछ नष्ट कर देगी। वो देखो ऊपर आसमान कैसा रक्त के जैसे लाल हो गया है। ये कैसा भयानक दृश्य है। अग्नि की असंख्य शिलाएं पृथ्वी पर गिर रही हैं। ये उल्का पिंड है, इसकी प्रचंड ज्वाला सर्वनाश कर देगी। हमें अति शीघ्र राजा मांधाता की शरण में जाना पड़ेगा। तो ही हमारे प्राण बचाएंगे। चलो चलो। कैसा कोलाहल है? कौन हमें पुकार रहा है? अंदर आने दो। त्राहिमाम, राजा मांधाता त्राहिमाम, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या हुआ? कैसा विघ्न है? राजन, पता नहीं कैसा संकट आन पड़ा है। आसमान से मृत्यु रूपी उल्का पिंड बरस रहे हैं। सारी भूमि धू धू करके जल रही है। चारों ओर हाहाकार मचा है। शीघ्र चलिए राजन, शीघ्र चलिए। चलिए। कैसा अनिष्ट है, ये कैसा अमंगल। इन उल्का पिंड की ज्वाला से तो समस्त पृथ्वी स्वाहा हो जाएगी। निश्चित ही राजन, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। परंतु इस संकट से बचने का कोई उपाय तो होगा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस कारणवश हम कोप का भाजन बन रहे हैं। ऐसा क्या अशुभ घटित हुआ है कि अंबर से अग्नि बरस रही है। जब भी विधि के विधान का उल्लंघन होता है तभी ऐसा अनर्थ होता है। किंतु देवताओं को तो हम मनुष्यों की इस विपदा में रक्षा करने आनी चाहिए। वो क्यों हमारी रक्षा करने नहीं आए? घटना नहीं है, अवश्य कोई शक्ति है जो पृथ्वी का सर्वनाश करना चाहती है। किंतु कौन है वो? तारकासुर ने आप सब देवताओं से स्वर्ग छीनकर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और अपने प्राणों की रक्षा हेतु भक्त भक्त को यहाँ पृथ्वी की कंदराओं में शरण लेनी पड़ी है। और तारकासुर ये बात जानता है। आपके अनुसार गुरुदेव, ये विनाश लीला तारकासुर रच रहा है? नहीं वरुण देव, ये कार्य तारकासुर का नहीं, किसी और का।
राजन, हमारी ज्योतिष गणना बड़े अशुभ संकेत दे रही है। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? कैसे संकेत? महाराज ये देखिए, राहु बकरी वो अपना स्थान बदल चुका है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं। महाराज ये देखिए, राहु को इस समय अपने कक्ष में होना चाहिए था, लेकिन कक्ष को छोड़कर क्रोध की अवस्था में रोहिणी नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत अशुभ संकेत है महाराज। जो मेरे साथ छल किया है उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। रोहिणी नक्षत्र को मिटाकर इस सृष्टि का ही विनाश कर दूंगा और ना ही रहेगी धरती, ना ही कोई ग्रह और ना ही कोई नक्षत्र। सर्वनाश कर दूंगा इस सृष्टि का। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? ये तो नियति के विरुद्ध है। जी राजन, ये नियति के विरुद्ध भी है और बड़ा अनर्थ भी। आज तक ऐसा कभी घटित नहीं हुआ। राहु अपनी दशा छोड़कर रोहिणी नक्षत्र को खंडित करने जा रहा है। इसके परिणाम तो बहुत भयंकर है। निश्चित रूप इतना भयंकर होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं। पेड़ पौधे वनस्पति पशु पक्षी यहाँ तक कि समुद्र और नदियों का पानी भी सूख जाएगा। मौत का तांडव होगा, पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आचार्य, राजा होने के नाते अपनी प्रजा और इस पृथ्वी की रक्षा का दायित्व मुझ पर है। अब मुझे संकट से मुक्ति का रास्ता बताएं। राजन, ये प्रलौकिक घटना है, मनुष्य की शक्ति से रोकना असंभव है, इसलिए आपको परलौकिक शक्ति का सहारा लेना होगा। चारे आप मुझे मार्ग दिखाइए, मैं इसके लिए अपने जीवन दांव पर लगाने पर भी नहीं हिचकूंगा। महाराज आप तो स्वयं देवी शक्ति के उपासक और भक्त, आप स्वयं जानते हैं माता सती के पावन शक्तिखंड इस पृथ्वी पर गिरे हैं। मेरे अनुसार आपको शक्तिपीठ जाना होगा, क्योंकि वो शक्ति कण ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। किंतु आचार्य ये तो बताइए, मुझे किस शक्तिपीठ पर जाना होगा? किस राज्य के निकट कैलाश पर्वत है जहाँ एक शक्तिपिंड गिरा था, किंतु वो कहाँ गिरा था ये कोई नहीं जानता। तो फिर आचार्य उस शक्तिपिंड को कैसे प्राप्त करूं? आपको वो शक्तिपिंड खोजना होगा। किंतु स्मरण रहे, आपके पास केवल चार पहर। यदि समय रहते आप वो शक्ति पिंड नहीं खोज पाए तो विनाश निश्चित है। कैलाश पर्वत पर वो पिंड कैसे खोज पाऊंगा?
ज्योतिषी आचार्य की गणना के अनुसार वो पिंड अवश्य इसी क्षेत्र में होना चाहिए। इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी राहुल। किसमें इतना साहस है जो मुझे रोकेगा? तुम देवराज इंद्र, तुम मुझे रोकोगे जो स्वयं तारकासुर के भय से स्वर्ग लोक का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी लोक पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग खड़ा हुआ? अहंकार अच्छा नहीं है राहुल। रोहिणी नक्षत्र को तुम खंडित कर दो, उतना सामर्थ्य तुम में भी नहीं। पृथ्वी को नष्ट करने का प्रयास करोगे, तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व भी मिट जाएगा। अपने अस्तित्व की सोचो देवराज, जो कुछ ही पल में समाप्त होने वाला है। पृथ्वी को तो मैं मानव विहीन कर दूंगा। जब मनुष्य ही नहीं होंगे तो कौन करेगा यज्ञ? तुम्हारी आहुति कौन देगा? मनुष्यों का अंत होते ही तुम सबका अंत निश्चित है। फिर इस जगत में केवल और केवल असुरों का राज होगा, असुरों का। हम देवताओं के होते हुए ये संभव नहीं है राहुल। तो फिर तुम सब देवताओं को मेरे हाथों ही मरना होगा। अब तक तो मैंने सूर्य और चंद्रदेव को ही ग्रसित किया था, किंतु अब तुम सब देवताओं को ग्रसित कर तुम्हारा जीवन अंधकार में कर दूंगा। राहु की छाया से बचना असंभव है। रक्षा करना कितने घातक है अग्निपिंड, काल का सारा जल ही सूख गया। सत्य कह रहे हैं आप ऋषिवर, जब जल ही ना होगा तो पृथ्वीवासी जीवित कैसे रहेंगे? पता नहीं राजा मानधाता को मां सती का शक्तिपिंड प्राप्त हुआ या नहीं। ओम नारायणी नमस्तुते नमो नमः। ओम नारायणी नमस्तुते नमो नमः। ओम नारायणी नमस्तुते नमो नमः। गुरुदेव, राहु की असुरी शक्तियां अत्यंत प्रबल है।
हम सब के इतने प्रयास के बाद भी राहु की छाया से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मुझे तो ये संशय हो रहा है देवराज कि अब हम सब लोगों की रक्षा कौन करेगा। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? राहु ने सभी देवों को अपने माया जाल से बांध लिया है। जगत के पालनहार होकर आप ना देवों की और ना मनुष्यों की रक्षा कर रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ऋषिवर, इस संसार में कुछ घटनाओं का घटित होना नियत है। विधि के विधान से परे मैं भी नहीं, परंतु ये कथन भी सत्य है कि संसार में संकट बहुत गहरा है। अब देखना ये है कि संकट के निवारण में माध्यम कौन बनता है, देव या फिर मनुष्य। हे जगदम्बे, हे जगत जननी, ये पूर्ण आहुति देकर मैं आपका आह्वान करता हूँ। मातेश्वरी प्रकट हो, दर्शन दो मुझे। ओम नारायणी नमस्तुते नमो नमः। विष्णु मायेतिशब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः। बोलो राजन, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ? राहु की कुदृष्टि से धरती के जीवन पर संकट आ गया है माता। मेरा राजधर्म कहता है कि मुझे किसी भी स्थिति में राहु को रोकना होगा। इस कार्य में मुझे आपकी सहायता और आशीर्वाद चाहिए माते। आपकी कर्मनिष्ठा उचित है राजन, किंतु ये कार्य मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है। आसुरी शक्तियों को केवल दैवी शक्तियां ही पराजित कर सकती हैं। मनुष्य के सामर्थ्य में ये नहीं है। परंतु माता, अपनी प्रजा और धरती की रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। मैं तो मात्र अपने धर्म की पालन कर रहा हूँ। क्या मेरे इस धर्म पालन के लिए आप मुझे कर्म रूपी साधन प्रदान नहीं कर सकती? निश्चित, मनुष्य के लिए कर्म ही प्रधान होता है और धर्म का मार्ग उचित कर्म ही करवाता है। राजन, मैं आपकी कर्म निष्ठा से अति प्रसन्न हुई और आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैं आपको एक विशेष यान प्रदान करती हूं। राजन, आप इस यान के माध्यम से दूसरे लोकों में विचरण कर सकेंगे। मैं आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें माता।
सारे ताल, सरोवर, नदियां सब सूख गए हैं। जल के अभाव में सब त्राही त्राही कर रहे हैं महारानी, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, अपनी आस्था को टूटने मत दीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हम सब मिलकर माता से प्रार्थना करेंगे कि वो महाराज को अपने कार्य में सफलता प्रदान करें। शीघ्र राहु के पास पहुंचना होगा ताकि वो अपने दुष्कर्म में सफल ना हो सके। ऐसी मायावी बाधा है, मुझे इस अग्नि की दीवार को पार करना ही होगा। ये असुरी शक्तियां मुझे भ्रमित करने के लिए बाधाएं डाल रही हैं। मुझे इस अग्नि चक्र को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। कितने भी प्रयास कर लो राजन, तुम विफल ही हो गए, क्योंकि मेरे अग्नि चक्रों को खंडित करने का बल नहीं है तुमने। ये किसकी आवाज है? मेरे यान को रोकने का दुस्साहस किसने किया? सामने आओ। अपनी काली छाया से हम सब देवताओं को मुक्त कर दो। पर आज ये आदेश नहीं देते हैं देवराज। खिड़खिड़ाकर, चरणों में सर रखकर जीवन की भिक्षा मांगते हैं। राहु, हम विनती करते हैं तुमसे, हमें मुक्त कर दो, अन्यथा सबको समाप्त हो जाएगा, सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। इधर देवताओं का अंत होगा और उधर रोहिणी नक्षत्र को खंडित कर मैं उसका अस्तित्व ही मिटा दूँ। रोहिणी नक्षत्र का अंत होते ही पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा। राहु, सृष्टि के विधान का उल्लंघन मत करो, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखो भय ने कैसे ग्रसित कर लिया है तुम देवों को। जो शक्तिशाली होते हैं वही राज करते हैं, और तुम जैसे दुर्बलों का समाप्त हो जाना ही सार्थक है। मेरी शक्ति का प्रभाव देखना है तो देखो। Ha ha ha.
मानना पड़ेगा तुम्हारी कर्म निष्ठा को, जिसके सहारे तुम सशरीर स्वर्ग तक आ गए। बाहू को रोकने का प्रयास कर रहे हो, परंतु ज्ञात हो मेरे ही आदेश पर राहु इस विनाश लीला की रचना कर रहा है। दाकासुर, ये तुम उचित नहीं कर रहे। तुम्हारा विवाद देवताओं से है, मनुष्यों से नहीं। क्या उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी का विनाश सही है? ये प्रश्न तुम्हें उन देवताओं से करना चाहिए। तो हम असुरों के साथ छल करते हैं। मेरे पास वाद विवाद का समय नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे पास पृथ्वी और मानव जाति की रक्षा करने का सामर्थ्य है, और उसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। यदि उसके लिए मुझे तुमसे युद्ध भी करना पड़े तो मैं करूंगा। युद्ध? तुम मुझसे? तुम मुझसे युद्ध? तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है राजन। चलो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। इस स्वर्ग पे मेरा राज्य है, जाओ धरती लोक को भूल जाओ और जाओ जाकर उस इंद्रलोक में अपना समय आनंद से व्यतीत करो। जाओ। प्रलोभन दे रहे हो। वो राजा ही क्या जो अपनी प्रजा की रक्षा ना कर सके, वो मनुष्य ही क्या जो अपने कर्म से भटक जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो तुम मेरा प्रस्ताव अस्वीकार रहे हो? ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम में कितना बल है। समय है राजन, अपनी पराजय स्वीकार लो। मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। तुम मुझे पराजित कर सकते हो, लेकिन मेरे आत्मविश्वास को नहीं। उस शक्ति ने तुझे यहाँ भेजकर तेरी मृत्यु में स्वयं को भी भागीदार बना दिया है। अन्नदाता, रक्त से लथपथ तेरा ये शरीर शक्ति पिंड पर गिरकर उसे अपवित्र और खंडित कर देगा। तेरी हत्या का कलंक अब शक्ति पिंड पर होगा। यदि तुझे वो यहां ना भेजती तो जीवित रहता। पृथ्वी की रक्षा करने आ, देखता हूं अब तेरी रक्षा कौन करता है। तुझे यहां आना ही पड़ा। मैं भी देखता हूं कि तू इस संसार की रक्षा कैसे करता है। माता, राजा मनदाता मृत्यु को प्राप्त। यदि आज मृत्यु जीत गई तो
तारकासुर विजयी हो जाएगा, धर्म पराजित हो जाएगा माता, अधर्म की जीत होगी। आज आपको अपना कालचक्र मोड़ना ही होगा माता, राजा मनदाता को जीवन दान देना होगा। बिना विलंब ये रोहिणी नक्षत्र को खंडित करना ही होगा। निश्चिंत रहो तारकासुर, जो कार्य तुमने मुझे सौंपा है उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। मुझे संसार में कोई नहीं रोक सकता। रोहिणी नक्षत्र का आधा भाग तो खंडित हो ही चुका है, अब कुछ ही भाग शेष बचा है, वो भी शीघ्र ही खंडित हो जाएगा। देवो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, ये राहु का कोई माया जाल है। देवराज, हमारी ऊर्जा क्षीण हो रही है, कुछ कीजिए। नहीं, अपनी ऊर्जा को क्षीण मत होने दो। मेरे पास एक उपाय है, हमें जगत जननी मातेश्वरी की आराधना करनी होगी। उनकी स्तुति करने से हमें शक्ति मिलेगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु राजा मनदाता के निर्जीव शरीर में शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै उन्हें जीवन दान देना होगा। नमो नमः। क्षमा चाहता हूं, मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तुम जैसे निष्ठावान धार्मिक मनुष्य का जीवन अत्यंत मूल्यवान है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ये जीवन दान तुम्हें मेरा आशीर्वाद है राजा। तुमने अपनी शक्ति से मनदाता को तो पुनः जीवित कर दिया, लेकिन इस संसार को नष्ट करने से तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। अब यह अंतिम प्रहार, रोहिणी नक्षत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ पृथ्वी का भी। ब्रह्मांड में केवल और केवल असुरों का राज रहेगा। Ha 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 ha!
इसे तोड़ पाना तुम्हारे लिए कतई संभव नहीं। तुम यहाँ मेरे द्वारा बनाए इस माया जहाँ जी रहोगी और राहुल रोहिणी नक्षत्र को खंडित कर असुरों का विजय पताका लहराएगा। Ha 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 ha!